तो दोस्तों यूएस के सर्विस ऑफिशियल्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि भारत ने किसी भी F-16 विमान को नहीं गिराया है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर ये सारे विमान काउंट किए हैं और जो नंबर है वो इंटैक्ट है, भारत ने किसी भी विमान को नहीं गिराया है जो अमेरिकन F-16 था। लेकिन भारत की जो रिपोर्ट है वो इसके ऑपोजिट जाती है। उन्होंने क्लेम किया है कि अभिनंदन नाम के जो विंग कमांडर थे उन्होंने अपने मिग से F-16 को ढेर कर दिया था। तो दोस्तों कौन सच बोल रहा है इस आपाधापी में, इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं भारतीय वायुसेना का ऑफिशियल वर्जन क्या है। भारतीय वायुसेना कहती है कि 27 फरवरी यानी 26 फरवरी से अगले दिन, जिस दिन बालाकोट पर हम हमला करके आए थे, 27 फरवरी को एलओसी पार करके अभिनंदन अपने मिग के साथ एक डॉग फाइट में उलझ गए थे पाकिस्तानी F-16 के साथ। दोनों में डॉग फाइट हुई, मिग ने पाकिस्तानी F-16 को गिरा दिया और पाकिस्तानी F-16 ने भी मिग को गिरा दिया, यानी दोनों प्लेन मारे गए। और इसके बाद जो इजेक्शन हुआ पैराशूट का, उसमें दोनों प्लेन से पायलट का निकलना देखा गया। दोनों प्लेन्स के पायलट का जो इजेक्शन था पैराशूट से वो करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर पाया गया। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिले हैं उसके हिसाब से ये पाया जाता है कि जो पाकिस्तानी प्लेन था वो F-16 ही था। रडार ट्रैक्स जो अभिनंदन की विसिनिटी में पाए गए थे उससे भी पता चलता है कि ये F-16 ही था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो कंट्रोलर थे उन्होंने F-16 के जो रेडियो कम्युनिकेशंस थे उनका ट्रैक किया था और उन्होंने क्लेम किया है कि एक F-16 का जो रेडियो ट्रैक है वो अचानक से अब्रप्टली बंद हो गया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि किसी भी F-16 को कोई नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी सेम क्लेम कर डाला है। अब जरा सच्चाई देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि वहां पर एक एयर विटनेस था जहां पर ये डॉग फाइट हुई थी दो प्लेन्स के बीच में, उसका क्या कहना है। आदमी हमारे पास है? जी जी नहीं नहीं, उनके जो कितने आदमी थे जो जहाज से निकले? जहाज तीन पैराशूट से उतरे जी, तीन आदमी जी जी, वो ऊपर से एक उधर चला गया, ऊपर भाग गए, एक हमारे गिरा है और एक तमिल पास चला गया। तीन तो इस आई विटनेस ने तीन पैराशूट वहां पर देखे हैं। आप कहीं ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, तो उसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं जो इन्हीं विलेजर्स ने बनाया था और जिसमें आप तीन पैराशूट सेम टाइम पर देख सकते हैं। बंदे जो हैं वो हिंदी और उर्दू का मिश्रण सा बोल रहे हैं। अब जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स क्लेम कर रहे थे कि उनके पास दो पायलट हैं सुबह तक, वो शाम होते होते उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि उनके पास सिर्फ एक ही इंडियन पायलट है। अब जब एक इंडियन पायलट उन्होंने कैप्चर किया है और पैराशूट तीन देखे गए हैं, तो बाकी दो पैराशूट किसके थे? यानी कि पाकिस्तानी प्लेन तो कोई ना कोई ढेर हुआ है। अब जरा ये वीडियो दोबारा से क्लोजली देखिए। इसमें तीन पैराशूट हैं, एक पैराशूट काफी दूर है और बाकी जो दो पैराशूट है ना वो काफी पास पास हैं। यानी कि ये जो दो पैराशूट आपको आसपास दिखे हैं ये एक ही प्लेन से इजेक्ट किए हुए लग रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो दो प्लेन यूज कर सकता है वॉर के समय में, एक है चाइना का निर्मित JF-17 और दूसरा है अमेरिकन मेड F-16। अब जो JF-17 है वो सिंगल पायलट प्लेन है और F-16 जो है उसमें दो पायलट बैठ सकते हैं। यहां पर दो पैराशूट एक ही प्लेन से इजेक्ट हुए लग रहे हैं, दैट मीन्स के जो डेफिनेटली प्लेन गिरा है वो F-16 ही है। अब
प्रश्न आता है कि अमेरिका क्यों झूठ बोल रहा है, उसका सीधा सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसका शायद सबसे बड़ा बिजनेस यही है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बेचने का। यदि पूरी दुनिया में यह बात फैलती है कि अमेरिकन F-16 जो कि नेक्स्ट जनरेशन विमान है उसको प्रीवियस जनरेशन के मिग ने गिरा दिया, तो अमेरिका की थूथू होनी ही है और उसका जो डिफेंस बिजनेस है वो चरमरा सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो सकता है अमेरिका को। तो इस प्रकार की रिपोर्ट तो आनी ही थी, उसमें कोई शक भी नहीं था। तो दोस्तों ये है सच अमेरिका की रिपोर्ट का, पाकिस्तान के क्लेम्स का और साथ ही साथ अभिनंदन के द्वारा F-16 के मारे जाने का। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए, साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के जरिए, आपको एड्रेस स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।